These girls have dreams like other young girls, but they are often forced to stay home and in many cases are married off to a family where she becomes a virtual slave for her husband. The women do not know their rights, and there's a lot of exploitation because all the men are leaving the villages and going into the city to work. So the women are left to be working into the landowner's land, going and doing work, and they're being misused. There's nobody to protect them. And I think the education is going to make a tremendous change in them, because they, at least their rights they know. They know at least that if they've worked for these many hours, this is what they're due. Education gives these young girls the tools to earn their own money and contribute to their families. This gives them power over their own lives. और उनको पढ़ने के लिए उनके माता पिता जो है उनको स्कूल नहीं भेजते हैं, और यहाँ आपके जो फ्री स्कूल में है यहाँ फ्री में बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे जो हैं। हाँ, ये हो गया। अब इसको यहाँ ऐसे मिलाना है, ऐसे ही आपको इसमें भी लेना है और पीछे भी लेना है। चलिए इसको नापिए। लड़कियों को कोई ध्यान नहीं देता है पढ़ने लिखने में। सब लोग घर का लोग बोलता है काम करो, और पढ़ने लिखने कोई नहीं देता है। भैया आप लोग की वजह से हम लोग को पढ़ने को मिल गया और सीखने को कुछ मिला। अपने हाथों से बनाई है इसको, मैं बिन बिन कर बना दी। ये बनाई अपना हाथ से, हाथों से बिन। ये बच्चों के लिए है, बच्चे के लिए है। इसको मैं अपने हाथ से बनाई हूँ, मशीन पे। ये हाथ से बनाए, और ये चादर, एक मशीन है। तो हम लोग बहुत ही लड़कियाँ हैं, तो हमें तो यही लगता है कि मतलब लड़कियों के पास तो सभी सामान उपलब्ध नहीं है। अगर रहते तो मॉर्स बहुत सारे चीज़ सिखा सकते हैं। जैसे और यहाँ पे जो फ्री स्कूल की लड़कियाँ हैं वो बहुत ही तेज़ हैं सिलाई बुनाई में, बहुत ही तेज़ है। आप देख रही हैं, सब सिल रही हैं। इससे पहले तो बस घर का काम कर रही थी। हमारे फ्री स्कूल की जो लड़कियाँ यहाँ से निकलती हैं, तो बहुत सारी लड़कियों ने क्या किया है, जो सेकेंड हैंड जो मशीन है वो खरीद के रख लिया है घर में, और वो दूसरे के कपड़े लेके सिलाई करके दूसरों को देती हैं, तो उसे कुछ पैसे आते हैं। An educated woman has fewer children and is less likely to take the life of her newborn daughter. The abuse rates lower dramatically. An educated girl turns around and teaches others. Teachers see significant change in children who receive even a basic education. इन लोगों को पढ़ने बोलने तक भी नहीं आता था कि हिंदी में बात कैसे की जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब इनको हम पढ़ाना शुरू किए तो इनमें बहुत फर्क हुआ। इनको बोलने भी आ गया, यहाँ तक कि इन लोगों को कह गए ABCD तक भी नहीं आता था। जो कहगा से लेकर के आज जो हम इन लोगों को यहाँ तक पहुँचा चुके हैं, जो अभी बटा का जोड़ घटाव गुना बना। हम पढ़ सकते हैं इसमें, क्योंकि हमको कॉपी कलम और बुक जो है सब मिलता है। हम कहीं भी घास घरने भी जाए या बकरी चराने, वहाँ पर भी हम पढ़ सकते हैं बुक को लेकर।